तो अब हम लोग जो है एक थ्योरम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। इसमें दिया हुआ है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, मतलब फर्स्ट टर्म को हम ए मान ले और कॉमन डिफरेंस को डी मान ले, तब एंथ टर्म का जो फॉर्मूला है वो ये होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करना है? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म जिसको कि हम लोग टी वन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया हुआ है कितना है, डी है। और दूसरा चीज क्या है, कॉमन डिफरेंस ना, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कि ए है और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस डी है दिया है। ये दो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमको निकालना है कि nth टर्म जो है वो दिया हुआ रहेगा। तो पहला जो है फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग टी वन से डिनोट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म तो ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, डी के साथ इंक्लूड करना होगा है ना। ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस जीरो। ठीक है, जीरो को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस वन माइनस वन। और यहां पर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो इंटू डी हो गया, जीरो इंटू डी जीरो हो गया, ए प्लस जीरो इंटू डी क्या हो गया, जीरो इंटू डी जीरो, और जीरो के बदले हम लिख सकते हैं वन माइनस वन डी। ठीक है, जीरो, ये जीरो इंटू डी क्या हुआ, जीरो हुआ, ये क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन, वन माइनस वन डी, तो वन माइनस वन जीरो हुआ, जीरो इंटू डी जीरो हो गया, यानी ए ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। अब सेकेंड टर्म निकालें, सेकेंड टर्म क्या होगा, टी टू। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म निकाले, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या कैसे निकालते हैं, जो प्रीवियस टर्म होता है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो यहां पर प्रीवियस टर्म क्या है, ए है, प्रीवियस टर्म क्या है, ए है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम प्रीवियस टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म जो है ए है, तो सेकेंड टर्म नेक्स्ट टर्म हुआ, तो इसमें कॉमन डिफरेंस को हम ऐड किए, ए प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए प्लस वन इंटू डी लिख सकते हैं, ए प्लस वन इंटू डी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू माइनस वन डी, वन को टू माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा, टी थ्री। तो थर्ड टर्म जो निकालेंगे, तो लास्ट सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड टर्म जो निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में, उसका प्रीवियस टर्म सेकेंड टर्म है, उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो इसका प्रीवियस टर्म सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म कितना है, ए प्लस डी है, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, उसको ऐड कर दिए, तो ये हमारा क्या मिल गया, ए प्लस टू डी मिल गया। ठीक है, अब हम टू को कैसे लिख सकते हैं, थ्री माइनस वन डी। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे फोर्थ टर्म, टी फोर। तो फोर्थ टर्म कैसे आएगा भाई, जो प्रीवियस टर्म है, जो थर्ड टर्म होगा इसके लिए, उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस टर्म कितना है, ए प्लस टू डी। थर्ड टर्म कितना है, ए प्लस टू डी है, इसमें हम डी को ऐड करेंगे तब तो फोर्थ टर्म आएगा, ये हो गया ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर माइनस वन डी। इसी तरह से अगर हम
फिफ्थ टर्म लिखें तो क्या लिखेंगे हम लोग, फिफ्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म में डी ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को, तो फोर्थ टर्म कितना आया ए प्लस थ्री डी, और इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तब तो फिफ्थ टर्म मिलेगा, ये हो गया ए प्लस फोर डी इक्वल टू ए प्लस फोर को क्या लिख सकते हैं थ्री माइनस थ्री फाइव माइनस वन डी। अब इसी तरह से हम निकालते जाएंगे, इसी तरह से हम निकालते जाएंगे, तो हम निकालेंगे अब nth टर्म, इसी तरह से निकालते निकालते एक जनरल टर्म निकालेंगे nth टर्म, तो हो गया हमारा tn, ठीक है। तो nth टर्म कैसे निकलेगा, अब ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस वन, जो टर्म निकालना है उसमें वन को माइनस कर, सेकेंड टर्म निकाले हैं ये देखो सब में है, ये डी है सब में कॉमन है, सारे टर्म में ए ए ए ए ए है, ये भी डी कॉमन सब जगह है, बदल कहाँ रहा है, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन सब जगह है, तो बदल क्या रहा है ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ वन है, सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ टू है, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ थ्री है, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो फोर है, फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ फाइव है, तो एंथ टर्म निकालेंगे यहाँ क्या होगा एन होगा, ये हो गया ए प्लस लास्ट में ये हुआ देयर फोर एंथ टर्म, ए प्लस एंथ टर्म निकाल रहे हैं ना तो यहाँ एन आएगा माइनस वन टी, यही तो हमारा निकालना था, ये प्रूव्ड हो गया, ये थ्योरम है, इसी को यूज करते हुए आगे बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को nth टर्म बोलते हैं और जनरल टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि n वेरिएबल है, अब इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं, जब फर्स्ट टर्म निकालना है तो n का वैल्यू वहाँ वन होगा तो यहाँ भी वन हो जाएगा तो आ गया ये, हमको थर्ड टर्म निकालना है तो यहाँ थ्री होगा तो यहाँ भी थ्री होगा, तो देखो यही आ गया, तो इसलिए ये जनरल फॉर्मूला हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना, जनरल टर्म कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जो टर्म चाहिए वो टर्म हम निकाल सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है ओके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, दिया हुआ है फाइंड द nth टर्म एंड द 16th टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये 3, 5, 9, 11 जो दिया हुआ है ये एपी में है, तो कह रहा है कि इसका nth टर्म और 16th टर्म निकालिए, तो दिया हुआ क्या है 3, 5, 7, 9 आर इन एपी, एपी में दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हुआ ये, फर्स्ट टर्म ए हो गया, उसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी कितना आया किसी को भी लिख सकते हैं, वन डिफरेंस डी 9 माइनस 7 कोई भी एक ले सकते हैं, हम सब लेके दिखा रहे हैं, 9 माइनस 7 हो गया कितना आया 2, 7 माइनस 5 ये भी 2 हो गया, और 5 माइनस 3 ये भी, यानी फाइनली क्या हुआ कॉमन डिफरेंस जो आया वो 2 आया, ठीक है। तो अब बोलता है nth टर्म निकालिए, nth टर्म, तो nth टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं tn से, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1d, अभी तुरंत फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो nth टर्म हो गया a प्लस nth टर्म, ठीक है ना, n माइनस 1 और डी ए का वैल्यू हो गया हमारा 3 और डी का वैल्यू हो गया 2, तो फाइनली क्या हो गया 3 प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2, तो फाइनली ये क्या हो गया 2
एन प्लस वन, तो nth टर्म हो गया 2n प्लस वन, nth टर्म हो गया 2n प्लस वन, ये एक आंसर मिल गया। दूसरा कहता है 16th टर्म निकालिए, है ना, ये तो होगा पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है 16th टर्म, तो 16th टर्म मतलब t16 निकालना है, t16 फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी, यही फॉर्मूला है। ए का वैल्यू कितना है, 3 है, 16 यानी एन का वैल्यू क्या हो गया 16, माइनस 16 टर्म निकालना है, एन का वैल्यू 16 हो गया, और डी कितना है 2 है, तो हो गया 3 प्लस 15 इंटू 2, तो कितना हो गया 33, यानी 16 टर्म हो गया 33। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से बन गया, ठीक है। ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है, सेम तरह का प्रॉब्लम है। तो क्या दिया हुआ है, 14, 9, 4, -1, -6 आर इन एपी, ये सब क्या है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 14, उसके बाद हमको निकाल लेना है कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या निकालते हैं, किसी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में माइनस कर देते हैं, तो -6, -1, ठीक है, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा, कितना आएगा माइनस, ये प्लस वन हो जाएगा, तो -5 आ गया। फिर दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में माइनस करते हैं, कितना आया -5, फिर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में माइनस करते हैं, कितना आया -5, नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस को माइनस करते हैं 9 -14 = -5। हम सब में लिख के दिखा दिया, कोई जरूरी नहीं है कि सारे टर्म को माइनस करके इस तरह से दिखाएंगे, कोई एक भी यूज कर लेंगे, 1, 3, 4, इस चारों में से कोई एक को यूज कर लेंगे, सबको लिखना जरूरी नहीं है, हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं तुमको कि चारों में से कोई भी यूज करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा, ठीक है, कोई भी यूज कर लेंगे। चलो हम इसी को यूज सेव करते हैं, सबको हटा देते हैं, हो गया। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया, तो हमको अब nth टर्म निकालना होगा, है ना, nth टर्म मतलब tn, फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी, यही तो फॉर्मूला है। तो tn इक्वल टू क्या होगा, a का वैल्यू कितना है 14 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है -5, तो ये क्या हो गया 14, अब इसको इसमें माइनस गुना करेंगे, -5 इससे गुना होगा तो ये -5n आएगा, -5 इसमें गुना होगा तो +5 होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -5n + 19, ठीक है, ये हो गया हमारा nth टर्म, ठीक है। इस या और उल्टा के अगर लिखना चाहे तो लिख लेते हैं 19 - 5n, ये हो गया हमारा nth टर्म, ठीक है। अब कह रहा है क्या, 12th टर्म निकालिए, 12th टर्म निकालेंगे मतलब t12 हो गया, तो a प्लस एन माइनस वन डी, यही तो फॉर्मूला है, तो a कितना है 14, और कौन सा टर्म निकालना है 12th टर्म, तो हम 12 लिखेंगे, और d कितना है -5, ठीक है, ये हो गया 14, ये हो गया 12 - 1 = -5, ये हो गया 11 - 55, ठीक है, ये हो गया हमारा -44, यानी 12th टर्म जो होगा -44 होगा। हम जब लिखते जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन करके 12th टर्म जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा -44, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, यहाँ तो 14 है ना, ये 14 है, यहाँ 11 कैसे आ गया,
ठीक है, ये हो गया हमारा 40, तो ये माइनस 41 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जो है हम लोग दिया हुआ है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, मतलब nth टर्म का कोई फार्मूला हम जो निकाले तो वो यूज नहीं करेंगे, जो इस क्वेश्चन में nth टर्म का फार्मूला दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। यहाँ दिया हुआ है nth टर्म जो है 5n-2 है, तो फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो और 19th टर्म निकालो। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि nth टर्म जो है, nth टर्म मतलब tn हो गया, nth टर्म है 5n-2, मतलब कैसे लिखे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, 5n nth टर्म 5n-2, कैसे हमको पता चला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया t1, ठीक है, t1 है ना, इसी को a भी लिखते हैं फर्स्ट टर्म को। तो फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा ना, 5n-2 इक्वल टू 5 × n का वैल्यू कितना हो गया, 1-2, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, यानी फर्स्ट टर्म हो गया, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कहता है कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट टर्म निकालें तो सेकंड टर्म भी निकालेंगे तब ना कॉमन डिफरेंस निकलेगा, तो इसलिए हमको जब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमको सेकंड टर्म भी निकालना पड़ेगा, यानी t2 निकालना पड़ेगा, 5n-2, तो 5 × 2n का वैल्यू 2 हो गया, क्योंकि सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, -2 तो ये हो गया, 5 × 10 -2 8 हो गया, ठीक है। अब जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे, तो आ गया 8-3 = 5, तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, और तीसरा कहता है कि 19th टर्म आप निकालिए, तो 19th टर्म मतलब t19, फॉर्मूला है 5n-2, तो n का वैल्यू हो गया 19, तो निकल गया ये हमारा 1995-2 यानी 93, तो 19th टर्म इस तरह से निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है, अगर nth टर्म क्वेश्चन में ही दे दिया गया है तो हम उसी फार्मूला को यूज करेंगे, जो जनरल फार्मूला हम लोग बनाए हैं उसको यूज नहीं करेंगे, अगर पहले से दे दिया है तो, नहीं दिया है तब तो उसी को यूज करेंगे जो हम लोग सीखे हैं बनाने के लिए, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।